नमस्कार, गुट्टी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पुदीने और हरे धनिये की चटनी बनाएंगे। और चटनी बनाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। तो आइए अब हम अपनी चटपटी हरे धनिये और पुदीने की चटनी बनाने शुरू करते हैं। पुदीने के पत्ते उतारकर अच्छे से धो लिया है। सिर्फ हरे हरे पत्ते लेने हैं, पुदीने के भी और हरे धनिये के भी। पीला पत्ता हमने कोई भी नहीं लेना, दोनों के डंठल निकाल दिए हैं। पुदीना एक मुट्ठी और हरा धनिया दो मुट्ठी, बड़ा प्याज एक लंबा कटा, लहसुन 7-8 कलियां छील कर बारीक बारीक काट ली है, हरी मिर्ची दो जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, मिर्च आप अपनी पसंद के अनुसार ज्यादा और कम भी कर सकते हैं, जीरा एक छोटा चम्मच, काला नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर हमने नींबू का रस 2 बड़े चम्मच लिए हैं, जरूरत के अनुसार हम यहाँ पर नींबू का रस डालेंगे। और इसी के साथ हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको हमने धोकर छील कर धोकर और अपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे मिक्सी में डालकर पीसेंगे। और पीसने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक टिप दे रही हूँ, यदि हम अपनी चीजों को थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक काट लेंगे, जैसे प्याज बारीक काट लिया, जो हरी मिर्च है उसको हमने बारीक काट लिया है और अदरक को भी हमने बारीक काट लिया है, तो हमारी मिक्सी बहुत टाइम तक खराब नहीं होती। अगर हम अदरक का टुकड़ा 1 इंच डाल देंगे, प्याज के 4 टुकड़े करके डालेंगे, हरी मिर्च साफ्ते डाल देंगे, जिससे हमारी मिक्सी पर लोड पड़ता है और मिक्सी खराब हो जाती है। एक एक करके सारी चीजें मिक्सी में डालेंगे। सबसे पहले हम अपने पुदीने को डाल देंगे, हरे धनिये को भी डाल देंगे, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, बारीक कटा अदरक, काला नमक और जीरा, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच डालेंगे। ये हमारे पास 2 बड़े चम्मच है, वरना हमारी चटनी बहुत खट्टी हो जाएगी। पीसने के लिए पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर शुरुआत में ही बहुत सारा पानी डाल देंगे तो चटनी पतली हो सकती है। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी पानी हम वैसे वैसे ही डालेंगे। अब हम अपनी सारी चटनी को पीस लेंगे। यहाँ पर हमारी चटनी पीसकर तैयार हो गई है। अब हम इसको अपने बाउल में डालेंगे। चटनी का कलर भी बहुत सुंदर बनकर आया है और चटनी की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।